साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 लेसन नंबर 32 यानी सबक नंबर 32 पोल साइंस का। पहला सवाल इसके अंदर है भाई, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तीन काम बताएं। यानी WHO जो है इसके आपको तीन काम लिखने हैं भाई, तीन काम इसके क्या हैं। तो बैन अल-अक़वामी जो है वो सेहत के ऑपरेशन को मुनज़्ज़म और मरबूत करने के लिए एक तंजीम के तौर पर काम करना, मतलब ये तंजीम जो है एक ऐसे तौर पे काम करती है जो सेहत के ऊपर काम करती है, मरबूत करती है और उसे मुनज़्ज़म करती है। दूसरा काम यह है कि हुकूमत की दरख्वास्त पर उनकी सेहत से मुताल्लिक खिदमात को मजबूत बनाने में मदद फराम। हर कोई मुल्क कहता है कि भाई आप जो है हमें मदद फराहम करें, तो उसके मुताल्लिक मदद भी फराहम करें। सेहत और तिब से मुताल्लिक पेशों के लिए आला तालीम की तरबियत की हौसला अफजाई करें, और सेहत और तिब से मुताल्लिक जो है पेशों पर जो जाना चाहते हैं, जो इनको पेशों को अख्तियार, उनकी आला तालीम की तरबियत करने पर हौसला अफजाई करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कोरोना टाइम में WHO बता रहा था अब ये हो गया अब वो हो गया, तो सारी मालूमात जो है WHO दे रहा था क्योंकि इसको इजाज़त थी उस वक्त, परमिशन। इसके बाद इसका दूसरा सवाल है कि बैन अल-अक़वामी और मालियाती फ़ंड के तीन अहदाफ बताएँ। बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के तीन अहदाफ, मतलब किस तरह से वो बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड में जा, ममालिक के दरमियान मालियाती तआवुन का बढ़ाना, ममालिक जो हैं जो मुल्क हैं आपस में उनके दरमियान ऐसे ताल्लुकात कायम करना जिससे जो है दौलत में जाओ, पैदावार में इजाफा करना और प्रोडक्शन में इजाफा करना, यानी जो भी पैदावार करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करना। तीसरा, तबादले को मुस्तहकम करना, मतलब जो भी आप एक दूसरे से तबादला कर रहे हैं उसे बढ़ाना। तीसरा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब कायम हुई, इसके बुनियादी मकसद क्या। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में कायम हुई, ये बनी 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तंजीम को अपना हिस्सा बनाया, और 1946 में इस अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है इसे कहा कि भाई आप हमारे साथ जम हो जाए, आप हमारा हिस्सा है। उसके बाद है, इस तंजीम का मकसद अक़वाम के तआवुन से मजदूरों की हालत को बेहतर बनाना। इस तंजीम का मकसद था जो था अक़वाम के तआवुन से, मतलब लोगों के तआवुन से, कौमों के तआवुन से मजदूरों की हालत को बेहतर बनाना और उनके मियार ज़िंदगी बुलंद करना था, उनकी मियार ज़िंदगी को अच्छा करना था। लेकिन जहाँ तक का मेरा अंदाज़ा है इसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा तो दिखने को मिला नहीं, और ना ही नज़र आया कि भाई कोई इसका ख़ास फ़ायदा हुआ हो लोगों को। इसके बाद इसी में जो है अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 के WHO पर एक मुख्तसर नोट लिखें। WHO 7 अप्रैल 1948 को कायम हुई, यानी इसका जो क़्याम आया एक नंबर में, अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कब कायम हुई तो आप लिख सकते हैं कि भाई WHO जो है 7 अप्रैल 1948 को कायम हुई। इसका सदर दफ्तर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के शहर जो है जेनवा में है, स्विट्ज़रलैंड में इसका जो है सदर दफ्तर है जेनवा में, ठीक है। और तो अगर आपके लिए आता है कि भाई कहाँ पे, भारत में आलमी इदारे सेहत का रुकन मुल्क भी है, और भारत जो है इस आलमी इदारे का जो है एक तरीके से मेंबर भी है, इसका रुकन भी है, ठीक है, जिसके सदर दफ्तर भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, सदर दफ्तर है वो भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में। आलमी इदारे सेहत की 194 अरकान है, यानी इसके जो है 194 मेंबर है। आलमी इदारे सेहत ने अब तक 10 बड़ी कातिल बीमारियों की निशानदेही, और इस आलमी इदारे ने अब तक 10 ऐसी बीमारियों की निशानदेही की है जो आपके लिए जानलेवा हो सकती है, ठीक है, जो आपको और सर इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते। इसी का आखिरी सवाल है कि बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड पर एक मुख्तसर नोट लिखें। बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड पर एक मुख्तसर नोट, बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड एक बैन अल-अक़वामी तंजीम है जो उसका रुकन है। ये ममालिक की आलमी इकतसादी हालत की निगरानी के लिए काम, ये देखता रहता है कि भाई इस मुल्क की हालत कैसी है, हालत उसकी निगरानी, ये अपने रुकन ममालिक की इकतसादी और तकनीकी मदद फराहम करता है, और जो इसके मेंबर होते हैं उनकी इकतसादी और तकनीकी मदद फराहम करता है, अगर वो माशी तौर पर कमज़ोर होते हैं तो उन्हें मजबूत। ये तंजीम बैन अल-अक़वामी शरह मुबादले के मुस्तहकम करने के साथ साथ तरक्की को आसान बनाने,
और शरह मुबादले के मस्तकम भी करती है और साथ में तरक्की को आसान भी बनाती है। अगर किसी तरह की कोई मदद होती है तो यह आलमी मदद भी फराहम करती, मालियाती फंड भी देती है ताकि उस मुल्क को जल्द से जल्द इस्टेब्लिश किया जाए, और उसके बदले कुछ लेती होगी वो बात अलग है। तो ये था भाई सबक नंबर 32, और इसके अंदर जो जितने चैप्टर थे पोल साइंस के अंदर सारे करा दिए। उम्मीद है कि आपको सारे चैप्टर्स बना रहा हूँ, इनकी एक पूरे की एक वीडियो भी बना दूंगा वन शॉट, इस पर आप सारे चैप्टर एक ही जगह एक ही वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।